बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के माज़द नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए हक कश्मीर न्यूज़ चैनल और मैं आज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि खोईराटा में दो नौजवान जाँबाग हो चुके हैं। अभी मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट देता चलूँ कि खोईराटा में दो नौजवान जाँबाग हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गाँव सेरी में दो अफराद कमरे में जहरीली गैस भरने से मौत की वादी में चले गए। दोनों अफराद मजदूरी की गर्ज से सेरी आए थे। जाँबाग होने वालों का तल्लक लाहौर पाकिस्तान से बताया जाता है। तफसीलात के मुताबिक खोईराटा के नवाई गाँव एलओसी पर वाक़ सेरी बाजार में कमरे के अंदर मुर्दा पाए गए। दोनों अफराद को गायब होने के बाद तलाश किया गया। मुर्दा अफराद को कमरे का दरवाज़ा तोड़कर निकाला गया। जाँबाग होने वाले अफराद आसिम और आतिफ की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान हैं। दोनों का तल्लक लाहौर से बताया जा रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों अफराद कमरे में जहरीली गैस भरने की वजह से जाँबाग हुए हैं। मालूमात के मुताबिक गैस कोयले की अंगीठी कमरे में रखने की वजह से बनी थी। थाना पुलिस खोईराटा दोनों अफराद की नाशों को THQ अस्पताल पहुँचाया है, जहाँ उनका पोस्टमार्टम भी जारी है। आज मैं आपको ये अफसोसनाक खबर दे रहा था कि खोईराटा में दो नौजवान जाँबाग हो चुके हैं। अभी इस अपडेट के साथ आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।